वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। हमारा जो आज का टॉपिक है इंटरेस्टिंग भी है और हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव भी है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप फैमिली सिस्टम्स को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं और इनकरेज भी करते हैं, जो इन फैमिली सिस्टम्स के बहुत ज़्यादा पर्क्स भी हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई क्लैशेज हैं तो उसका आपके बच्चे पे किस तरह से इम्पैक्ट आता है। क्या आप बच्चे को एक फैमिली सिस्टम में बड़ा कर रहे हैं और उसमें जो तमाम तरह सिनेरियोज़ हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, उसकी पर्सनैलिटी पर किस तरह का इम्पैक्ट डालते हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी मारवी खान और डॉक्टर जवेरिया सोहरवर्दी। दोनों को वेलकम करेंगे, कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो डॉक्टर जवेरिया, हमने पहले भी डिस्कशन किया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत एक आइडियल चीज है, बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारा प्यार है जो आप समेटते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक आजकल के दौर की बात की जाए। देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक माहौल तो बन जाता है कि नाना नानी है, दादा दादी है, जो भी एक रिश्ता चल रहा है, लेकिन उसमें एक बात ये होती है कि एक बड़ों का कभी कभी एक नेगेटिव रोल भी हो जाता है। और जो फैमिलीज ब्रोकन होती है, अगर उसमें बहुत सारे, अगर लड़के से किसी से पूछा जाए तो वो एक सिंपल बिल्कुल सादगा इंतहा सुर्दगी से जवाब देगा, अम्मी को पसंद नहीं थी, अम्मी का ख्याल था कि इसकी आदतें कभी ठीक नहीं हो सकती, ये जिम्मेदारी से घर को लेके नहीं चल सकती, मैं तो इस तरह करती थी, ये इस तरह करती है। वो अपने आप को बिल्कुल 25 पिछले अपनी बहू को जैसे वो 30 साल पहले थी उससे कंपेयर करती हैं। ये फैमिली को मियाँ और बीवी में दरार डालने वाली सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि बेटा तो माँ को आइडियलाइज कर रहा है। अब वो ये नहीं समझता कि मैं जिस ज़माने का हूँ ये लड़की भी उसी ज़माने की है, उसी तरह कॉलेजेस से, अच्छे स्कूलों से तालीम लेकर आई है। अब अगर उसको घर के घर गृहस्थी में थोड़ी सी मुश्किल आ रही हैं तो बुजुर्गों को चाहिए कि वो थोड़ा सा बच्चों को साथ लेके चलें। हाँ, अगर एक और भी है, और अगर लड़के और लड़की की पसंद की शादी है, अब तो उनका मतलब ये होता है कि हमें कोई मौका मिले और हम क्लैप करें और मजाक उड़ाएं कि देखा तुम्हें कितना समझाया था, ये हमारी तुम्हारी बात नहीं मानेगी, मैंने कहा था ना, से कहा ये मैंने कहा था ना, देखा ऐसा ही होना था। अब सारे लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उनको मिलाकर उनका मतलब ये होता है कि हम उनको रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करें और कल को कहीं देखो ये अच्छा, हमने ये अभी हम थोड़ा क्लियर कर दें कि हम तमाम फैमिलीज की बात नहीं करें, चंद उनकी हम केसेस को डिस्कस करें। अब चूंकि मैंने भी बहुत सारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम देखी है जिसमें घर जोड़े जाते हैं और बड़े यही रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे केसेस अगर पॉजिटिव हैं तो कुछ बीच में नेगेटिव भी, हम उनको भी डिस्कस करेंगे साथ पॉजिटिव बातें भी हम लेकर चले। मारवी, अब बच्चों पे इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आता है, क्योंकि अगर आपके माँ को दादा दादी से कोई इख्तलाफ है तो वो बच्चे को फीड करेगी, नहीं कोई बात नहीं तुम कर लो ना, ऐसे खैर है। अगर बाप को कोई इख्तलाफ है माँ से तो वो भी अपनी माँ और उसके साथ मिलकर कह देगा कुछ, तो ये सारा सिस्टम जो होता है बच्चों पे इम्पैक्ट डालता है। अमीला बिल्कुल ठीक, बच्चा एक्चुअल में जैसे हम पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम से बात करते रहे हैं, बच्चे ने जो देखना है, बच्चे में सिफात मुंतकिल होती है, बच्चा जिनके साथ रहता है, बच्चा जिनके अंडर रेज हो रहा होता है, जो बातें सुनेगा, जो गुफ्तगू सुनेगा, जो आदत देखेगा, वो उसमें डेवलप होती है। और आपने क्योंकि मौजू एग्जैक्टली बच्चों के लिए ऊपर रखा है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो हम जैसे आपने कहा हम अच्छी बातें भी करेंगे, तो टूवर्ड्स दी एंड आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग विद यू कि करना क्या चाहिए, बिकॉज ये तो हम रेज कर लेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। और होता है मतलब अभी आपने इतनी बात की कि हम ज्यादातर हम थोड़े लोगों की बात करें या ज्यादा लोगों की बात करें, एक्चुअल में बहुत बहुत पैथेटिक सीन है, बहुत पैथेटिक सिचुएशन है इस वक्त जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसका जो मिजाज है, उसकी जो रूह है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम की रह ही नहीं गई हुई है। कोई भी मजहब उठा ले, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, मेरा ख्याल है बुजुर्गों की जो एहतराम है, इज्जत है, या बच्चों के साथ शफकत है, वो हर मजहब में हर एक इंसान के लिए बराबर है। उसमें कहीं पे भी ससुराल या नसब का जो ताल्लुक है वो अलग से उसके लिए कहीं कोई खाने नहीं बनाए गए, वो हर जगह हर एक के लिए उतनी ही चीजें, उतनी ही एहतराम मेंशन किया गया। मैंने पूरा कुरान अर्मिला तर्जमे से पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। मैं कभी कभी सोचती थी और मैं हैरानी से जो 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 बहुत सारे अल्फाज हमारे माशरे में राइज है, मैं बैठ के ना उनको ढूंढ रही होती हूँ कि ये है किधर एक्चुअल में। अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं, या अगर हम लोग ये कहते हैं कि जी इस तरह से माँ बाप पेरेंट्स दादा दादी स्पेशली कोई इंटरवीन कर सकता है, आई एम सॉरी अर्मिला, कहीं कोई एग्जाम्पल मुझे नहीं मिली, मेरी नाकस अकल में नहीं आई। जो माशरत के असूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं उसमें डेफिनेटली बुजुर्गों की शफकत, एहतराम, बड़ों के बच्चों के वाजिब है, लेकिन पेरेंट्स सिर्फ इज द ओनली एंड मस्ट बी द ओनली अथॉरिटी टू द चाइल्ड, ठीक है। दादा दादी हैं, उनसे माँ बाप ने किस तरह बिहेव करना है, बच्चों ने आगे से आपसे वैसा बिहेव करना है, ये तो अब सीखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दादा दादी या चचा या ताया या पुप्पो या खाला या कोई भी जिनके साथ आप रहे हैं वो पर्सनैलिटी इफेक्ट करने के लिए या वो इंटरवीन करें बच्चे और पेरेंट्स के बीच में।
इतना टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड. आप आए, मैंने नमक डाला, वो आई, वो भूल गई आपने नमक डाला था कि नहीं डाला, उन्होंने उसमें फिर नमक डाल दिया. कुछ चौथा आया, उसने कहा अच्छा इसने तो शायद नमक डाला नहीं था, इसने मिर्च नहीं डाली. सो आप इमेजिन कर सकती हैं उसकी उसका टेस्ट कैसा होगा. एग्जैक्टली वही टेस्ट आप सोचें कि बच्चे में होता है जब बच्चा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रेज करता है, अगर उन फैमिली में माशरत के सही असूल या फिर वो जो असूलों कानूनों की बात है वो नहीं मार. लेकिन इस तरह से कि बहुत सारी मदर्स जो है जॉब करती हैं, अब बच्चे जो हैं, फादर तो पहले जॉब पे होता है, अब बच्चा अगर मेड पे होता है तो फिर उसमें बड़ों का एक रोल तो आ जाता है. ये तो पॉजिटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं. देखिए उसमें फिर ये होता है कि जो बिल्कुल खाली घर में बच्चों को छोड़ के जा सकती हैं, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, तो उसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं. लेकिन अगर वो अपने दादा दादी के साथ हैं या नाना नानी के साथ हैं तो बहुत अच्छी सी चीजें भी सीखेंगे. जैसे अभी आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज है, बाप तो नमाज जॉब पे गया है, अब दादा जी ने और नाना ने ही अपने छोटे से पोते या लेकर नमाज के लिए जाना. क्योंकि समटाइम्स आपको वो चीजें, वो वैल्यूज उन लोगों से मिल जाती हैं जो आपके पेरेंट्स शायद मिल ही नहीं सकती है. जो एक्सपीरियंस जो बच्चे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम उस जल्दी मैच्योर हो जाते हैं. बट मैं उन नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रही हूँ और उसको अवॉइड करने के लिए अगर बड़े अपना अपना रोल प्रॉपरली ना, ये तो बात दुरुस्त है कि माँ अगर जॉब पे है या बाप जॉब पे है तो दादा दादी या ससुराल वालों को पता है ना कि ये बच्ची हमारे ही बेटे को सपोर्ट कर रही है. तो जब तक तो वो एबसेंट है, उनकी प्रेजेंस में आपने बच्चे को पॉजिटिव चीजें सिखानी है. आपने ये नहीं सिखाना एक भी जुमला आपका चली गई है बच्चे को छोड़ के, सिर्फ एक जुमला बस तो मेरे पे चली गई छोड़ के. आप इमेजिन कर सकते हैं बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है. या तो आपने, अगर माँ बाप ने किसी की बड़े की बुजुर्ग की बुराई कर दी है बच्चे के सामने, आप भी भुगतेंगे और कुछ नहीं. एग्जैक्टली, वो तो बच्चा तो समझ गया कि अच्छा मेरे दादा दादी तो यही करते हैं, एग्जैक्टली उसके माइंड में वो चीज सेट हो गई. और अगर आपकी खुदा ना खास्ता बेगम ने या आपकी माँ ने कुछ कह दिया तो वो आपके माइंड में वो चीज आएगी. फिर बच्चा ये साथ साथ वक्त के सीख लेता है और फिर वो इस गैप से फायदा उठाना शुरू करना शुरू कर देता है. जॉइंट बच्चों के लिए बहुत गलत बात हो जाती है. जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक्चुअल में हमें ये एक ना, जैसे कह सकते ना कि कोई एक, जैसे अभी हम पार्लियामेंट की बात कर रहे थे यहाँ पे, कुछ बैठ के असूलों कानूनों की बात कर रहे थे जब यहाँ पे एहतजाज हो रहा था. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के लिए असूल मुख्तस करना अर्मिला मस्ट है. हमारे माशरे में बहुत सारी कमियां हैं, उनमें से एक कमी यह है कि हम बात नहीं करते. स्पेशली जब हम असूल मुख्तस करने के लिए बात करते हैं, मियां बीवी ने आपस में अगर किसी में से एक जोड़ीदार ने कह दिया ना अच्छा चलो बैठ के ना हम अपनी फैमिली के या हम अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कोई रूल्स तय कर लेते हैं, अगर तुमसे ये गलती होगी तो मैं उसको ऐसे रिस्पॉन्ड करूंगी, मुझसे ये होगा तो पढ़ाई शुरू कर दो, लेक्चर हो जाए. आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. सिमिलरली ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बैठ के जब वालिदैन, दादा दादी या फिर चचा ताया फूफी, आपकी नंद टाइप का रिश्ता या आपकी जेठ जिठानी या देवरानी टाइप का रिश्ता आपके पास है, आई गेस एवरीवन शुड बी सिटिंग टू. मैं आइडियल सिचुएशन बता रही हूँ और वो जिसमें बच्चों की बेहतरी है, क्योंकि अल्टीमेटली दादा भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा पोता खराब हो, दादी भी ये नहीं चाहेगी कि उसकी कोई भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट खराब हो. हम अपनी ही तलब के मुनाफी चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता अल्टीमेटली तो हम बच्चे की बेहतरी चाह रहे हैं. अगर आप चाह रहे हैं तो बहुत वाजह तौर पर लिख ले, आप सबको बैठ के असूल तय करने पड़ेंगे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के, कि अगर कोई क्लैश आ जाता है तो हु विल बी द अल्टीमेट अथॉरिटी, दादा होगा, दादी होगी, बाप होगी या माँ होगी. एंड आई स्ट्रॉन्गली से इट शुड बी वन ऑफ द पेरेंट्स. कॉलर परवीन मसूद, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और मिला, मेरी कल भी आपसे बात हुई थी. बिल्कुल मुझे याद है. प्यारी बेटी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, मैं भी ठीक हूँ. मैंने ना इसी झगड़े के सिलसिले में ना बड़ी दिलचस्प बात बतानी आपको. जरूर जरूर, हम चाहेंगे आप शेयर करें. अच्छा, वो इस तरह है कि मेरा पोता है चौथे साल में. मेरा एक ही बेटा है अलीमान, और उसकी शादी की तो एक ही समझो चार साल का वो मेरा पोता है. कभी मेरी बहू से ना चपकलश हो जाती किसी बात पे. तो एक दिन ना मैं उनके साथ गाड़ी में जा रही, मजे की बात वो कहता है अम्मी, मुझे अम्मी कहता है, अम्मी आप मम्मा के साथ तो लड़ती है फिर हमारे साथ गाड़ी में क्यों जा रही है? आप बच्चों को रोक लीजिए जितना ऑब्जर्व करेंगे. मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि गाड़ी मेरी है, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, तुम मेरी गाड़ी में जा रहे हो. ये तो बहुत मजे की बात थी. और वैसे लेकिन ये सारे घर की रौनक होते हैं परवीन साहब, मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी बातें बच्चों की जो आपको हमेशा याद रह जाती है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर वालदेन ने झगड़ा करना हो ना तो बच्चे स्कूल चले जाए ना, उसके बाद जी भर के कर ले. झगड़ा जरूर कर ले, आप बच्चे ने बात कर ले. ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग परवीन साहब, बहुत शुक्रिया.
ये वाकई एक्सपीरियंसेस की बात होती है, जो एक्सपीरियंस शेयर कर रही है नॉर्मली ऐसा होता है कि आपने फलाने से लड़ाई की तो मेरे कमरे में क्यों आई, पर बच्चे आपस में भी ये कर रहे होते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है जिसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी, बंद कमरों वाली बात की है ये, क्योंकि झगड़ों का, ऊंची आवाज का, चिल्लाने का बच्चों पे सबसे गहरा असर है। अब बंदा सोच रहा होता है ना मैं चिल्लाता हूँ ना मेरा बंदा चिल्लाता है, या ना मैं चिल्लाती हूँ ना मेरा खाविन चिल्लाता है, तो ये बच्चों ने चीखना सीखा कहाँ से है? वो डेफिनेटली जब मैंने आगे टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड वाली बात हो गई है, वो कहीं ना कहीं फैमिली में से सीख रहे हो। सो अगर इवन आपके अपने बच्चे नहीं है, आप देवर है, देवरानी का रोल प्ले कर रहे हैं, या जेठ है, जेठानी का रोल पर है, और वो आपके अपने बच्चे नहीं भी हैं, तो प्लीज दादा दादी इवन है, उन्होंने अपने बेटे को डांटना है या अपनी बहू को डांटना है, तो प्लीज अपने झगड़े शुड बी दरवाजे बंद, दरवाजों के पीछे होने चाहिए। झगड़े बच्चों के सामने किसी सूरत नहीं होने चाहिए, इसका इतना बुरा असर पड़ता है कि हम सोच नहीं सकते बड़े होकर वो चीजें सामने आती। बहुत इमेच्योर माइंड का होता है, जो चीज पे जहन में वो देखता है सुनता है उसकी एक छाप लग जाती है, और फिर वो उसको अपनी आइंदा जिंदगी में कैरी करता चला जाता है। कैरी करने की बात सही है कि उस चक्कर में फंस जाता है, और जो उसकी जिंदगी का हल्का फुल्का पान होता है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, उसका बचपन गुम हो जाता है। इसलिए बच्चों को ये एक जो टीवी पे सामने भी बैठे तो एक खौफनाक इंडियन ड्रामे मत दिखाएं जिसमें हर वक्त सास बहू के मसाइल, और एक ऐसी पिक्चर दिखाई जाती है जो हमारे मुआशरे में मेरा ख्याल एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करती, शायद उधर करती हो हमारी तरफ नहीं करती है। हमारी तरफ चले जहाँ छोटी मोटी बातें होती हैं, वहाँ एक बहुत ज्यादा उनकी मोहब्बत का भी बड़ों का रोल होता है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।